जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे ऐसी चीज की जिसमें पूरा इंडियन हाउसहोल्ड इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहता है, विच इज गोल्ड। गोल्ड से हमारा अट्रैक्शन पता नहीं सालों पुराना है, शायद इंडियंस का स्पेशली। इतना ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है हमारी कंट्री में, और इतना ज़्यादा हमारे हाउसहोल्ड वेल्थ अगर देखें उठा के, इवन वुमेन वेल्थ अगर देखें, मैक्सिमम जो है वो गोल्ड में है। गोल्ड में भी, नॉट गोल्ड बार्स और समथिंग, ज्वेलरी में। तो आज बात करेंगे गोल्ड, अगर आज के टाइम 2023 में आप लेना चाहते हैं तो क्या बेस्ट तरीका, पूरा एनालिसिस करेंगे और कौन से फॉर्म में आपको लेना चाहिए और लेना भी चाहिए कि नहीं, वो भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी एसेट क्लास, यानी एसेट क्लास माने जैसे रियल एस्टेट, इक्विटी, बॉन्ड्स और गोल्ड। गोल्ड कमोडिटी के अंदर आता है, और कमोडिटी में किसी भी एसेट, जो अगर जैसे हम गोल्ड की बात करें, उसके रिटर्न्स हमें पहले एनालाइज करने चाहिए कि पिछले कई सालों में कैसे उसने परफॉर्मेंस करी है और किन फैक्टर्स से उसका प्राइस चेंज होता है। तो सबसे पहले अगर आप इस चार्ट को देखें, एटी मनी ने बढ़िया चार्ट बनाया हुआ है जिसमें मेंशन किया गया है पिछले 40 सालों का, यानी 1980 से लेके 2020 तक गोल्ड के क्या रिटर्न्स रहे हैं। तो अगर एवरेज रिटर्न्स देखें तो यहाँ पे आपको ये ग्रीन लाइन नजर आ रही होगी, 9.6% के रिटर्न जो है गोल्ड ने दिए हैं ऑन एन एवरेज सालाना। दिस इज CAGR रिटर्न, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रिटर्न, यानी साल दर साल जो रिटर्न दिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट क्लास में हम इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को बीट करना होता है। तो इन्फ्लेशन 6% एवरेज रही है पिछले 40 सालों में, तो उसको आराम से गोल्ड ने बीट किया है। तो इससे ये तो समझ आ जाता है कि गोल्ड एक इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट है, और इसमें अगर पैसा लगाते हैं तो हमारे पैसे की वैल्यू कम नहीं हो जाती। जैसे अगर आप खाली कैश रखते हैं, अगर या इनफैक्ट सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं, तो मुश्किल से 3-4% का रिटर्न मिलेगा। तो इन्फ्लेशन 6%, तो मतलब आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। अब लेकिन गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप 2-3% ऊपर ही उससे रिटर्न कमाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं देर आर नंबर ऑफ ईयर्स जिसमें आउटसाइज रिटर्न 35%, 40% इस तरह के रिटर्न देखने को मिले हैं। 2019 में भी ऐसा कुछ देखने को मिला था। और ईयर ऑफ अंडर परफॉर्मेंस काफी कम, गिने चुने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पिछले 40 सालों में, सिर्फ 7 साल में जो है नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं गोल्ड ने। तो ये भी एक बहुत अच्छी परखने के लिए किसी भी इन्वेस्टमेंट क्लास को हो जाती है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक तो ये रीजन हो गया, लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने जो पैसे को मेंटेन, उसकी परचेजिंग पावर मेंटेन करने के लिए, यानी कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। और दूसरा जो रीजन होता है वो है डाइवर्सिफिकेशन का, जैसे बोलते हैं डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। तो दूसरा रीजन यहाँ पे हो जाता है डाइवर्सिफिकेशन। तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा चार्ट एक नीटी मनी का है जिसमें आप देख सकते हैं कि ग्रोथ रेट ऑफ गोल्ड जो ये ब्लू लाइन से दर्शाया गया है, और डी ग्रोथ ऑफ BSE सेंसेक्स, मतलब इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट से कैसा कोरिलेशन है वो भी देखना जरूरी है। क्योंकि अगर आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो उसका मतलब सिंपल ये है कि आप चाहते हैं कि अगर मेरा इक्विटी परफॉर्म ना करे तो मेरा गोल्ड परफॉर्म करे, या फिर अगर मेरा गोल्ड परफॉर्म ना करे तो मेरी इक्विटी परफॉर्म करे, या फिर तीसरा बॉन्ड परफॉर्म करे। तो मतलब इसी वजह से हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं कि पोर्टफोलियो लेवल पे रिटर्न्स हमारे सही बने रहे, कि थोड़ा बहुत हमने गोल्ड में डाला है, थोड़ा रियल एस्टेट में, थोड़ा इक्विटी में, थोड़ा बॉन्ड में। तो वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो 4 साल ऐसे अगर आपको नजर आएंगे जिसमें बहुत मेजर जो है, 4 instances, नॉट 4 साल, पिछले 40 सालों में जब स्टॉक मार्केट में डीग्रोथ आई लेकिन गोल्ड में उसमें अच्छी हमें रिटर्न देखने को मिली। तो पहले जैसे 1990 में वो हर्षद मेहता स्कैम के टाइम पे गोल्ड अच्छा कर रहा था, फिर .com बबल के टाइम पे बहुत अच्छा कर रहा था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे जब 2007-8 में रिसेशन आया था तब भी गोल्ड अच्छा कर रहा था, और इनफैक्ट कोरोना के टाइम पे भी गोल्ड ने ठीक ठाक रिटर्न्स दिए हैं कंपेयर्ड टू बाकी जो हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रियल एस्टेट भी काफी टाइम से डाउन था, तो गोल्ड इस वजह से एक तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए और दूसरा जो है डाइवर्सिफिकेशन के लिए अच्छा एक मौका आपके लिए हो जाता है जिससे आप यूज करके अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न सिक्योर कर सकते हैं। तो ये तो समझ आ गया कि गोल्ड जो है अच्छा इन्वेस्टमेंट एसेट है,
मतलब इट इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म एंड इट हैज बीन गुड फॉर इन द पास्ट। तो अगर हम आगे चल के अब कंपेयर करें, यहाँ पे एक छोटी शीट बनाई हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या एवेन्यूज अवेलेबल हैं जिससे आप गोल्ड खरीद सकते हैं। तो इसमें एक एक करके क्राइटेरिया पर देखते हैं कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की, जिसमें आप नॉर्मल किसी भी दुकान से जाके, जो ज्वेलर्स की दुकान होती है या सुनार जो होते हैं उनके यहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं फिजिकल गोल्ड। लेकिन उसमें की रिस्क क्या रहता है कि चोरी हो सकती है, और 24 कैरेट बोलते हैं उसकी जगह आपको हो सकता है खराब माल पकड़ा दें, लॉस भी हो सकता है जब उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जब फिजिकल गोल्ड जो उसके बार्स बनाए जा रहे हैं या ज्वेलरी बनाई जा रही है। तो फिजिकल गोल्ड में सबसे बड़ा रिस्क तो ये रहता है, एक तो चोरी का और दूसरा प्योरिटी इश्यूज, यानी कि उसमें आपको जो खरा सोना मिल रहा है कि नहीं वो आप नहीं जान सकते। नेक्स्ट एवेन्यू हमारे पास मौजूद है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड से मतलब है कि आप ऑनलाइन ऐप या किसी भी पोर्टल पे जाके खरीद सकते हैं, एक रुपए का गोल्ड भी आप खरीद सकते हैं। आज के पेटीएम शेटीएम ऐप पे आपको मिल जाता है ऑप्शन। लेकिन इसमें रिस्क क्या है? रिस्क है कि इसके ऊपर ज्यादा कोई रेगुलेटरी ओवरसाइट नहीं है, जैसे बाकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पे सेबी होता है, आरबीआई होता है, लेकिन इसके ऊपर कोई खास रेगुलेटरी ओवरसाइट नहीं है। मतलब रेगुलेटरी ओवरसाइट ना होने का मतलब ये होता है कि अगर कल को कोई आपने जहां इन्वेस्ट किया डिजिटल गोल्ड में वो कंपनी बंद करके पैसा लेके चले गई, तो उसके बाद आपके पास कोई एवेन्यू नहीं बचता कि आप किसी के किसका आप दरवाज़ा खटखटाएंगे कि भाई ये जब वो आते ही नहीं है उनके परव्यू में आरबीआई या सेबी या इनके, तो आप किसको बोलेंगे कि हमारे साथ चोरी हो गई इस तरह से। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क हो जाता है। फिर आते हैं गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ जो है बाकी ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड की तरह क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करते हैं और उस वो अल्टीमेटली इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में, फिजिकल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड में भी फिजिकल गोल्ड की बैकिंग होती है, जितने का आप खरीदते हैं उतने का गोल्ड वो कंपनी जिसमें आपने जिसके थ्रू आपने इन्वेस्ट किया है वो उतने का गोल्ड खरीद के अपने वॉल्ट में रख लेती है। तो ये फिजिकल गोल्ड की बैकिंग यहाँ पे भी है। गोल्ड ETF भी फिजिकल गोल्ड खरीदता है और साथ ही साथ गोल्ड माइनिंग और जो गोल्ड जो उसकी प्रोसेसिंग होती है उस उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो ये भी अगेन अब गोल्ड प्राइसेस जैसे मूव करेंगे वैसे ये मूव करता है। गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, वो आप बेसिकली ETF और म्यूचुअल फंड का फर्क यही है कि ETF आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं तो आप जाके उनको अपने डीमैट अकाउंट से खरीद बेच सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं होती, आप उसमें SIP भी लगा सकते हैं, महीने के महीने आपके फंड में पैसे जाएंगे। फंड क्या करेगा, इंटर्न गोल्ड ETF में या फिर गोल्ड वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करता जाएगा। अगेन रिस्क यहाँ पे बस वही है कि जो गोल्ड प्राइसेस जैसे मूव करेंगे वैसे ही ये मूव करें। और पांचवा तरीका जो बहुत ही अच्छा तरीका एक है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हर 6 महीने ऑलमोस्ट हर महीने आजकल तो मैं देख रहा हूँ RBI इश्यू करता है एट अ डिस्काउंट प्राइस, मतलब फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। कि अगर आप मान लीजिए 5000 का मार्केट में गोल्ड चल रहा है तो आपका 1 ग्राम का तो आपको 4950 पे आपको ये मिल जाएगा। तो ये जो यहाँ पे गोल्ड है वो आप गोल्ड बॉन्ड्स के से खरीद सकते हैं, मतलब इक्विवेलेंट, ये एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। मतलब एक्चुअली आप गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे और ना ही यहाँ पे फिजिकल गोल्ड की बैकिंग कर रही है, यहाँ पे आपको सॉवरेन गारंटी यानी कि गवर्नमेंट सरकार आपको बोल रही है कि भैया इतने का हम आपको बॉन्ड दे रहे हैं उस तर्ज पे कि जो है आप इसको एज एन इक्विवेलेंट टू गोल्ड ट्रीट कर सकते हैं। अब इसके फायदे नुकसान क्या है पांचों के हम देख लेते हैं। रिस्क हमने देख ली कि भैया, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में रिस्क क्या होगी, कल को सरकार अपने वादे से मुकर जाए, बहुत अनलाइकली है बट एक चांस है कि भाई गवर्नमेंट भी अराउंड द वर्ल्ड डिफॉल्ट करती हैं, हालांकि इंडिया में आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। ऐसे ही हमारे बैंक्स भी आप देखेंगे तो उनको भी डिफॉल्ट हो सकते हैं, वो भी बैंकरप्ट हो सकते हैं, बट आज तक हमें इस तरीके के इंस्टेंसेस इंडिया में बहुत कम देखने को मिले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा सोशलिस्ट माइंडसेट है तो उस वजह से ये कभी डिफॉल्ट वाली सीन हमें नहीं देखने को मिले गवर्नमेंट की तरफ से। मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो इसमें फर्स्ट की रिस्क में तो जो है
गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड साथ और गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स सही लगते हैं मेरे ख्याल से, जिसमें आपको इन्वेस्ट करने से अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं और आपका पैसा भी सिक्योर रहेगा, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में आपको चोरी का डर और डिजिटल गोल्ड में जो है ओवरसाइट नहीं है तो थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फिजिकल गोल्ड आप लेने जाएंगे तो ऑलमोस्ट जो भी मार्केट रेट चल रहा होगा प्लस उसमें जो डिजाइनिंग के चार्ज ज्वेलरी अगर लेते हैं आप तो उसको आप ऑलमोस्ट 6000 का एक ग्राम का चल रहा है तो उस हिसाब से 6000 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे। डिजिटल गोल्ड आप 1 रुपये से भी खरीद सकते हैं। गोल्ड ETF में भी अराउंड वही 5500 टाइप्स जो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड का प्राइस चल रहा है उस हिसाब से आपको खरीदना पड़ेगा। गोल्ड म्यूचुअल फंड में क्या हो जाता है कि आप 100 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं, बिकॉज आप उसमें आपको यूनिट्स मिलती हैं, जैसे बाकी म्यूचुअल फंड्स में होता है वैसे ही इसमें आपको यूनिट्स मिलती हैं, इस वजह से ये और आसान हो जाता है 100 रुपये में स्टार्ट करना। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अगेन वही 5500 टाइप्स अभी चल रहे हैं तो 5500 आपको एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे डिजिटल गोल्ड और साथ ही साथ जो अपना गोल्ड म्यूचुअल फंड जो है वो सही हो जाता है हमारे लिए, तो इसको हम ग्रीन कर देते हैं। अभी की कॉस्ट की अगर बात करें तो अगेन फिजिकल गोल्ड में आपको 70 तरह की कॉस्ट देनी पड़ती है। 10% तो आपके वो डिजाइन और मेकिंग चार्ज ले लेते हैं ज्वेलर्स, फिर इंश्योरेंस या फिर स्टोरेज कॉस्ट, आप बैंक के लॉकर में उसको रखेंगे तो आपको वहां पे 3-4% उसके कीमत के अराउंड जो है एनुअली वो पैसा जो है आपको देना पड़ेगा, विच इज एन एक्सपेंस। GST भी लगता है 3% ऑफ परचेज प्राइस, जितना भी का भी आप ले रहे हैं, मान लीजिए 5000 का ले रहे हैं तो आपको 150 रुपये उस पर GST देना पड़ेगा, तो ये 3% GST। डिजिटल गोल्ड में भी 3% का GST आपको देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सबसे खराब बात यह है कि आपको ऑलमोस्ट 6% का स्प्रेड भी देना पड़ता है। तो स्प्रेड से क्या मतलब है? स्प्रेड से ये मतलब है कि अगर मान लीजिए 100 रुपये का गोल्ड आप खरीदना चाहते हैं तो आपको 106 रुपये उसके लिए देने पड़ते हैं, लेकिन जब आप उसको बेचने जाएंगे तो आप 100 रुपये का ही बेच पाएंगे। तो ये स्प्रेड जो 6 रुपये जो 6% यहाँ पे मैंने बताया वो जो है वो इन एप्स की स्टोरेज कॉस्ट और प्रोसेसिंग टेक्निकल जो ऐप वगैरह जो चलाने की कॉस्ट ये सब उससे कवर करते हैं। तो आपको लगता है डिजिटल गोल्ड बहुत सस्ता मिल रहा है मार्केट में, आपको मेकिंग चार्ज नहीं, लेकिन जब आप खरीदने बेचने जाएंगे तब आपको समझ आएगा कि 6% का स्प्रेड आप इस पे कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 3% का GST और 6% का स्प्रेड देके 9-10% आपके इसी में चले जाते हैं। गोल्ड ETF अगर यहाँ पे देखें तो टोटल कॉस्ट का जो आप जो है 0.5-1% एक्सपेंस रेशियो जो उस ETF को मैनेज कर रहे हैं कंपनी उसमें आप देते हैं। मान लीजिए अगर 100 रुपये का गोल्ड आप खरीद रहे हैं तो 1 रुपये जो है ये ऑलमोस्ट उसको आपके जो ETF मैनेज करने वाली कंपनी है एक्सपेंस रेशियो के रूप में उसको देते हैं आप। डीमैट अकाउंट अलग लगेगा, ब्रोकरेज वगैरह खरीदने बेचने में जो लगती है वही 20-30 रुपये वो और लगेगी, तो ये भी एक रिलेटिवली सस्ता तरीका है। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड में ऑलमोस्ट 0.6-1.2 के एक्सपेंस रेशियो हो जाते हैं, बिकॉज ETF का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.5-1 प्लस 0.1-0.2 जो है उसके गोल्ड को मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा और लग जाता है इसमें, तो ये इसमें आपको ये दो जो है ऑलमोस्ट लेकिन फिजिकल और डिजिटल गोल्ड से सस्ते अल्टरनेटिव है। लेकिन यहां पे बेस्ट अल्टरनेटिव है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, क्योंकि इसमें आपको कोई एक्सपेंस एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता। इनफैक्ट आपको जब आप ऑनलाइन खरीदते हैं आपको एक तो सरकार 50 रुपये का डिस्काउंट देती है जो अगर आप नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर हैं, और साथ ही साथ हर साल आपको 2.5% का आपको जो है इंटरेस्ट भी मिलेगा आपके बॉन्ड के ऊपर, यानी कि अगर आप 5000 रुपये का बॉन्ड अगर खरीदते हैं तो सालाना उसका 2.5% रिटर्न जो है इंटरेस्ट के रूप में आपको मिलता रहेगा, प्लस जो गोल्ड प्राइस में अप्रिसिएशन होगी वो तो उसी हिसाब से गोल्ड जो आपका बॉन्ड है उसमें अप्रिसिएशन होगी। तो यहाँ पे तो सीधे सीधे नजर आ जाता है कि पहले ये जो लास्ट के 3 गोल्ड ETF म्यूचुअल फंड और सॉवरेन गोल्ड फंड यहाँ पे आप काफी अच्छे अल्टरनेटिव हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अवेलेबिलिटी की बात करें तो फिजिकल गोल्ड आप कहीं भी ऑफलाइन ज्वेलर या फिर आजकल मोबाइल ऐप से भी आप खरीद सकते हैं, होम डिलीवरी करवा सकते हैं। डिजिटल गोल्ड आप अगेन ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप से खरीद सकते हैं। गोल्ड ETF भी
ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप सेम म्यूचुअल फंड आप किसी भी म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। और सॉवरेन गोल्ड के बॉन्ड के केस में क्या होता है कि वो जो है आपको आरबीआई इश्यू करता है हर एक दो महीने के इंटरवल पे, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अवेलेबिलिटी आपको ऐसे तुरंत इमीडिएट नहीं मिलती, बाकी जो है केसेस में आपको अच्छी अवेलेबिलिटी मिलती है। तो यहाँ पे ये सारे अल्टरनेटिव तो आपके अच्छे माने जाते हैं। अभी लिक्विडिटी की बात करें, लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी इज नथिंग बट कितने आसानी से आप खरीद बेच सकते हैं। आज आपके पास सोना है, आप दुकान में जाइए तुरंत बिक जाएगा अगर वो जेन्युइन है तो। सेम डिजिटल गोल्ड आप ऐप में बाई जैसे कर सकते हैं तुरंत, वैसे ही सेल कर सकते हैं। गोल्ड ETF भी फ्रीली ट्रेडेड है एक्सचेंज के ऊपर, तो जैसे आप स्टॉक कोई भी खरीदते बेचते हैं वैसे ही आप गोल्ड ETF खरीद बेच सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड और भी आसान है, आपको जैसे म्यूचुअल फंड हम SIP से बाई कर रहे हैं या नॉर्मल बाई कर रहे हैं वैसे ही आप सेल रिक्वेस्ट डालेंगे, तुरंत आपके जो एक दो दिन में पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, क्यों? क्योंकि ये एक बॉन्ड जो है एक फिक्स टेन्योर बॉन्ड है, 8 साल का इसका जो है नजरिया होता है, बेसिकली लॉक इन जो है वो 5 साल का होता है और फुल टेन्योर जो है 8 साल का होता है। लॉक इन का क्या मतलब है? 5 साल से पहले आप उसको इनकैश नहीं कर सकते, 5 साल बाद आप उसको सरकार के पास वापस बेच के इनकैश कर सकते हैं, यानी कि 5 ईयर्स के बाद आप उस बॉन्ड के सारे पैसे आपको मिल जाएंगे जितनी उसमें एप्रिसिएशन हुई होगी गोल्ड प्राइस में, और साथ इंटरेस्ट तो आपको सालाना आपके अकाउंट में आ ही रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा 5 साल का लॉक इन हो जाता है और साथ ही साथ 8 साल के बाद भी आप इसको रिडीम कर सकते हैं, देखिए इनकैश कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खरीदने के बाद उसको 5 साल से पहले नहीं बेच सकते, मतलब इनकैश नहीं कर सकते लेकिन बेच सकते हैं। कैसे? 6 महीने के बाद, डेट ऑफ इश्यू के 6 महीने बाद आप सेकेंडरी मार्केट, जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स बाई और सेल होते हैं वैसे ही ये गोल्ड बॉन्ड बाई और सेल होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाती है कि वो जो उसके इश्यू प्राइस से ऑलमोस्ट 5-10% के डिस्काउंट पे बिक रहे होते हैं, क्योंकि आपको अगर अचानक से पैसा चाहिए तो लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं, और जितना भी उसका एक्चुअल प्राइस होगी, एक्चुअल वैल्यू होगी, मान लीजिए 5,000 है तो वो आपको 4700, 4800 इस तरह से प्राइस पे मिल रहे होंगे ऑनलाइन जब आप सेकेंडरी मार्केट में जाते। तो ये थोड़ा सा इसमें नेगेटिव हो जाता है कि लिक्विडिटी उतनी नहीं है, खरीदने बेचने वाले उतने नहीं है, तो आपको अच्छी वैल्यू अगर आप पहले बेचने जाएंगे 5 साल से पहले तो नहीं मिल जाती। अब बात करें टैक्सेशन की, तो टैक्सेशन मोस्ट ऑफ द केसेस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स डिपेंड ऑन आपका टेन्योर, आपने कितने समय के लिए उनको बाय किया। तो 4 जो आपके फिजिकल गोल्ड हो, चाहे डिजिटल हो, गोल्ड ETF हो, गोल्ड म्यूचुअल फंड हो, उस केस में क्या हो जाता है कि अगर आपका होल्डिंग पीरियड, मतलब आपकी परचेज डेट से 3 साल से पहले आप बेचना चाह रहे हैं, तो आपके जो जितने भी गेन्स हैं, मान लीजिए अगर आपने 1,00,000 का खरीदा और अब वो 1,10,000 का हो गया, तो 10,000 रुपये जो आपके गेन है वो आपके इनकम में ऐड कर दिए जाएंगे, और जितना आपका टैक्स स्लैब होगा, मान लीजिए अगर 30% है तो उस पर 10,000 पे 30% यानी 3,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका होल्डिंग पीरियड 3 साल से ज्यादा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा 20% का विद बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन से क्या मतलब? जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, मान लीजिए 6% से इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो आपको वो इन्फ्लेशन का अमाउंट माइनस करके जो गेन्स आएंगे उसके ऊपर, मान लीजिए आपको सेम एग्जांपल में 1,00,000 का खरीदा, 3 साल बाद बेचने जा रहे हैं और 1,10,000 का हो गया, तो पहले देखा जाएगा कि इंडेक्सेशन से आपका कितना जो है कॉस्ट आई। बेसिकली मान लीजिए 6% से ग्रो करी, तो सीधा सीधा मान लेते हैं ज्यादा सिंपल रखने के लिए, 6,000 रुपये आपके इन्फ्लेशन की वजह से बढ़े हैं, तो ये 10,000 में से 6,000 माइनस हो गए, बचे 4,000 पे 20% टैक्स लगेगा, यानी कि 200 रुपये आपका ऑलमोस्ट टैक्स लग जाएगा। तो ये फायदा हो जाता है इस पे अगर आप 3 साल से ज्यादा अगर होल्ड करते हैं। लेकिन इससे भी बेटर अल्टरनेटिव हमारे पास है गोल्ड बॉन्ड केस में। इंटरेस्ट जो आपको 2.5% का मिल रहा है वो तो फुल्ली टैक्सेबल है, हर साल आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और इनकम स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो गेन्स आपको मिलेंगे आफ्टर 5 ईयर्स और 8 ईयर्स जब भी आप उसको रिडीम करते हैं, वो फुली टैक्स फ्री होंगे। मान लीजिए आपने 5,000 का बॉन्ड लिया था
और 5 साल बाद वो 25,000 का अगर इन केस हो जाता है तो 20,000 का आपका गेन हुआ, वो फुल्ली टैक्स फ्री है, चाहे आप 5 साल बाद करें या 8 साल बाद करें। तो ये यहाँ पे टैक्स फ्री गेन्स आपके, जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा साल दर साल आपके इनकम के हिसाब से। लेकिन अगर आप उसको स्टॉक मार्केट में, जैसे हमने बात करी थी, सेकेंडरी मार्केट में सेल करते हैं, तो उस पर अगेन आपको ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा बेस्ड ऑन आपने कब बेचा, 3 साल से पहले या 3 साल के बाद। तो इस केस में, टैक्स के केस में जो है आपका, यहाँ पे हमारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड काफी अच्छा अल्टरनेटिव हो जाता है। तो मोटा मोटा अगर हम देखने चाहें तो मुझे तो फिजिकल गोल्ड इज अ बिग नो, डिजिटल गोल्ड इज अ बिग नो, बिकॉज अभी रेगुलेटरी ओवरसाइट नहीं है तो हमारे पास ज्यादा मीडियम नहीं हो जाता। भले ही आप 1 रुपए से खरीद सकते हैं, पर आप अपनी हार्ड एंड मनी लगाने चाह रहे हैं तो ऐसी जगह पे ना जाइए जहां पे आपके पास रेगुलेटरी ओवरसाइट ना हो, कोई बैठ के उसको रेगुलेट करे जैसे बैंक्स को करता है, स्टॉक मार्केट को करता है सेबी, तो इस तरह से आप इसमें ना जाएं। गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड अच्छे ऑप्शंस हैं, क्योंकि आप कम पैसे में इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, चार्जेस भी कम है, ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल है, हाईली लिक्विड है, जब चाहे उसको खरीद सकते हैं, जब चाहे बेच सकते हैं। और जो अगर आप 3 साल तक होल्ड करते हैं तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट प्लस 20% टैक्स ही देना पड़ता है। और सबसे जो बढ़िया स्कीम इसमें है वो है सॉवरेन गोल्ड। मेरे हिसाब से आप खुद देख सकते हैं, एक तो आपको 2.5% इंटरेस्ट सालाना मिल रहा है, वो तो आपकी एक्स्ट्रा कमाई है ही है। 5 साल तक आप अनवेरिएबली होल्ड कर लेंगे तो और थोड़ा, जैसे रियल एस्टेट में क्या होता है, आप घर खरीदते हैं, आप उसको जल्द मतलब 1-2 साल में तो बेच नहीं देते क्योंकि वो थोड़ा इलिक्विड है, उसको खरीदने बेचने में काफी मेहनत भी लगती है, बायर्स ढूंढो। सेम सॉवरेन गोल्ड में अगर आप उसको 5 साल तक इनवेरिएबली होल्ड करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं एक लंबे समय में। तो ये इस हिसाब से सॉवरेन गोल्ड आउट ऑफ ऑल दीज आई थिंक इट इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। गोल्ड, उसके बाद आपके गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ETF, और फिजिकल गोल्ड एंड डिजिटल गोल्ड इज अ बिग नो फ्रॉम माय साइड। तो आपको मैंने ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन, एक कोशिश की है इसमें समझाने की 5 अल्टरनेटिव को। ये शीट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको अपने हिसाब से स्टडी कर सकते हैं, जो ऑप्शन आपको अच्छा लग रहा है आप ले सकते हैं। पर्सनली मैं तो कभी गोल्ड में इन्वेस्ट करता नहीं हूँ, क्योंकि माई 100% ऑफ मनी गोज टू इक्विटी स्टॉक मार्केट, जिसमें मैं एनालिसिस करता हूँ और अपने पैसे लगाता हूँ। या तो कैश में रहेगा पैसा या इक्विटी में, दो ही मैं मान के चलता हूँ, मैं ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन में बिलीव नहीं करता। बट अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में दिमाग नहीं लगाना चाहते तो डाइवर्सिफिकेशन इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा रियल एस्टेट में, थोड़ा बॉन्ड्स में और थोड़ा इक्विटी में आपका पैसा होना चाहिए। तो ये छोटी सी एक टेबल है जिससे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आज के टाइम में 2023 में अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो कैसे लिया जा सकता है, और क्या क्या आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, और कौन से उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपको आपके हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से लगते हैं। तो आपको ये अगर टेबल अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा, समझाने का तरीका समझ आया, तो लाइक करें इस वीडियो को और कॉमेंट में अपने डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।